हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे माय लॉस्ट डॉलर रिटन बाय स्टीफन लेकॉक। मेरा एक दोस्त है टुड, उसने मेरे से एक डॉलर लिया था और वो भूल चुका है, और उसने अभी तक मुझे ना एक डॉलर वापस नहीं किया। अब यहाँ पर स्टीफन बता रहे हैं कि उसने एक डॉलर जो मुझसे लिया था वो कैसे लिया था। एक्चुअली टुड को जाना था बरमुंडा, और टैक्सी में वो बैठ चुका था और उसके पास ना टूटे पैसे नहीं थे, इसलिए वहाँ पे मैं भी खड़ा था। तो टुड ने मेरे से बोला, क्या तुम्हारे पास एक डॉलर होगा? तो मैंने ना तुरंत निकाल कर टुड को दे दिया, और टुड बरमुंडा के लिए चला गया। और मुझे इतना भी याद है कि मैंने कब दिया था, मैंने उसको 8 अप्रैल को दिया था अपना एक डॉलर। जब टुड बरमुंडा चला गया, वहाँ पर पहुँच गया, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको याद आ जाएगा, और जब वो वापस आएगा तो वो मुझे ना मेरा एक डॉलर वापस कर देगा। बट टुड ना बरमुडा चला गया, वहाँ पे उसने इन्जॉयमेंट करी, और वहाँ से उसने मुझे एक लेटर लिख के दिया। मैंने सोचा कि इसने मुझे लेटर लिख के दिया है, हो सकता है कि इसमें मेरा रिटर्न कर दिया होगा इस लेटर में। जब मैंने लेटर खोला ना, तो उसके अंदर कोई भी डॉलर नहीं था, मेरा डॉलर नहीं था। और टुड ने वहाँ के टेम्परेचर के बारे में बताया था कि कितना टेम्परेचर है, और बरमुडे के बारे में बहुत कुछ उसने लिखा था कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। अब 3 हफ्ते के बाद टुड वापस आता है अपने टाउन में, स्टीफन ना उसके पास जाता है। स्टीफन सोचता है कि अब इसको याद आ जाएगा और ये मेरा एक डॉलर वापस कर देगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टीफन उसको बहुत कोशिश करता है याद दिलाने की कि इसको याद आ जाए। उससे बार बार पूछता है, अच्छा तो बरमुंडा में कौन सा करेंसी चलता है, कैसा है, और बहुत ढेर सारी बातें करता है। पर टुड को ना किसी डॉलर की याद ही नहीं आती, उसको याद ही नहीं होता कि मुझे इसको एक डॉलर वापस भी करना है। काफ़ी बार स्टीफन ऐसा कोशिश करता है कि इसको मैं घुमा फिरा के बोलूँ, अब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता, तो घुमा फिरा के बोलूँगा तो शायद उसको याद आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टुड यहाँ पे बिल्कुल भूल चुका है कि उसको ना स्टीफन को एक डॉलर देना है। स्टीफन को बुरा नहीं लगता, बट वो कुछ सोचने लगता है। स्टीफन ये सोचता है कि मैंने भी किसी ना किसी से कभी ना कभी डॉलर लिए होंगे, तो जैसे मैं आस लगा के बैठा हूँ कि मुझे एक डॉलर मुझे वापस मिल जाएगा मेरा, पर नहीं मिल रहा है, वैसे ही वो लोगों ने भी एक आस लगाई होगी मेरे से कि मैं उनका डॉलर वापस कर दूं, पर मैं भी भूल गया होऊंगा। तो मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है। अब यहाँ पर स्टीफन ना अपनी बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो लोगों ने मुझे पैसा दिया था, अगर उन लोगों ने मुझे खाने पीने के लिए पैसा दिया था तब तो चलता है, तब कौन डॉलर वापस करता है, रिटर्न तब कौन करता है। पर अगर कोई ट्रैवल करता है, या कोई टैक्सी से जाता है, या कहीं पे भी ट्रैवल करता है, और कोई अगर ट्रैवल में पैसा लगाता है, तो उसको तो वापस करना ही चाहिए। तो राइटर यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि बैक टू ऑनेस्टी। सो यहीं पे हम लोग की ये शॉर्ट स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।